दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने जेल खाने से रिहा कर दिया और हाकिम मिस्र जिस पर जब सच्चाई आया हुई तो वो इस सच्चाई को बर्दाश्त न कर सका और बीमार हो गया और इसने जुलैखा को भी छोड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात पर बहुत ज्यादा रंजीदा थे क्योंकि उनका हरगिज मतलब नहीं था कि वो अपने हाकिम मिस्र को रुसवा करें। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास हाजिर हुए तो इसके बाद क्या हुआ वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुनामी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने सुनामी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। सुनामी टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के सामने हाजिर हुए बादशाह मिस्र ने आपको तमाम वाक्य से आगाह किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि हाकिम वक्त मैं हाकिम मिस्र को रुसवा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेरे मुख्तारे कुल हैं। बादशाह ने कहा कि तुम सोच के एतबार से एक दाना शख्स लगते हो, इस वजह से मैं वो तमाम जिम्मेदारियाँ जो की हाकिम मिस्र के पास नहीं तुम्हें सौंपता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हाकिम मिस्र की जिम्मेदारियाँ लेकर मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता, सो आप ऐसा कीजिए कि हाकिम मिस्र की वो जिम्मेदारियाँ उनके पास ही रहने दीजिए और मुझे पूरे मिस्र के अनाज का हाकिम बना दीजिए ताकि मैं अनाज की जिम्मेदारी ले सकूं और कहत के वक़्त अनाज की कमी पेशी ना पेश आए। सो बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे मिस्र के अनाज की जिम्मेदारी सौंप दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अनाज की जिम्मेदारी लेने का एक मकसद ये भी था कि जो बादशाह का जुल्म राया पर था कि वो गल्ले का आधे से ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता था, ये जुल्म रोका जा सके। आपने बहुत ज्यादा गल्ला जमा किया। जब बादशाह ने आपके नेक अतवार देखे तो वो बहुत खुश हुआ और इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नए कपड़े दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर बिठा दिया और कहा कि आज से ये सल्तनत तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द तमाम सल्तनत कर दी गई और सारे मिस्र में इन्हीं का सिक्का जारी हुआ और बाद फोत हो जाने अजीज मिस्र के तमाम खजाइन इनके पास आ गए। बादशाह भी अपनी तमाम सल्तनत से हाथ उठाकर खाना नशीन हो गया और बादशाह ने इनको अपना वली मुकरर कर दिया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम गल्ला और अनाज मिस्र में लाकर जमा किया। अलगर्ज इस तरह 7 बरस गुजर गए। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी दी कि इस शब को इस वक्त कहत नाजिल होगा। जिस वक्त का इंतजार था वो आ पहुंचा। तब सबको फरमा दिया कि अनाज गल्ला सब मेरे पास जमा करो क्योंकि मखलूक खुदा पर कहत नाजिल होने वाला है। जब कहत नाजिल हो गया तब मखलूक शहरों की हाजिर हुई और फरियाद करने लगी, जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये खबर पहुँची तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी रया को भूख से तकलीफ में मुब्तला देखा तो इनमें गल्ला बांटने लगे, जिस पर सारी रया को तसल्ली हुई और जान में जान आई। इधर जुलैखा कहत की वजह से आहोजारी करने लगी। जो शख्स भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम जुलैखा के सामने लेता इसको वो इनामो इकराम और बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर रुख्सत करती और इसको बहुत ज्यादा रकम भी देती। इसी तरह से इसने अपनी सारी दौलत लुटा दी और खुद मोहताज और फकीरनी बन गई। दोस्तों वो शब रोज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते हुए बुढ़िया और जईफ हो गई और दोनों आंखों की रोशनी भी जाती रही। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि चलने फिरने से भी मजदूर हो गई। चंद रोज इसी आतिशी फराक में गुजरे। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हशमतो दबदबा बादशाही का इस कदर था कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर निकलते थे तो 40,000 जवान मुसल्ला पोश और 4,000 जवान कमर बंद जेरी 1,000 साहिबे होशमंदाना के हमराह चलते थे।
खबर है कि एक दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम सवार होकर सैर करते हुए मर्जी इलाही से इस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर जुलेखा थी। लोंडियों ने देखकर जुलेखा को खबर दी कि यूसुफ यहाँ आए हुए हैं। ये सुनते ही जुलेखा बेतहाशा दौड़ी और पुकारने लगी, ऐ करीम इब्ने करीम, जरा तो ठहर जाओ और इस ज़ईफ़ा का हाल जरा तो सुन लो। हजरत यूसुफ ने यह सुनकर फौरन घोड़े को वही रोक दिया और बोले, ऐ जुलेखा ये क्या हाल है तेरा, कहाँ है वो उसको जमाल और खूबसूरती तेरी। बोली कि तेरे इश्क ने बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में हजरत यूसुफ ने फरमाया कि अभी तक वही इश्क तेरा मौजूद है। वो बोली के हाथ का चाबुक मेरे मुंह के पास लाकर जरा देखिए। हजरत यूसुफ ने अपना हाथ दराज किया और जुलेखा ने यकायक एक ऐसी आह आतिश दिल सोजा से छोड़ दी। चाबुक एकदम गर्म हो गया। मारे तपश के हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने चाबुक हाथ से छोड़ दिया। जुलेखा बोली, ऐ यूसुफ आज तकरीबन 40 बरस हो गए हैं, ये शोला आतशी मेरे दिल पर जलता है और मैं तेरे इश्क में जल गई हूँ। देख जरा जरा सा आतशी शोला मेरे दिल का तुझे बर्दाश्त न हुआ और फौरन अपना चाबुक जमीन पर डाल दिया। ऐ यूसुफ मैं क्योंकि शब रोज ये पेचोताप खाती रही हूँ इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। हजरत यूसुफ ने रहम खा कर और जुलेखा का हाल तबाह देख कर घोड़े से उतरे और वही जमीन पर बैठ कर बोले, ऐ जुलेखा तू मेरे खुदा पर ईमान ले आयाती है। जुलेखा ने फौरन से हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के खुदा पर ईमान ले आई। आपने फरमाया, ऐ जुलेखा अब बता के तू क्या मांगती है। बोली, ऐ यूसुफ खुदा के दरबार में मेरे वास्ते दुआ कीजिए कि मेरा हुस्नो जमाल और जवानी और बिनाई मुझको इनायत फरमा दे तो मैं अपनी बाकी की उम्र तेरी खिदमत में सर्फ कर दूंगी और अपने खुदा की इबादत में मसरूफ रहूंगी। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने अपने सर को नीचा कर लिया और कुछ देर तामुल में रहे। इसी वक्त वही नाजिल हुई कि ऐ यूसुफ तू क्या मांगता है, मांग तेरी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों तब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने दो रकत नमाज शुक्र अदा की और काफी देर तक खुदाबंद कुद्दूस से दुआ मांगी। अभी आपने सर सजदे से उठाया ना था कि जुलेखा ने आवाज दी, क्या यूसुफ अपना सर उठाओ, जो तुमने चाहा वो हासिल हो गया। इसके कहने से हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपना सर सजदे से उठाकर जुलेखा की तरफ देखा तो देखते क्या है कि सूरत जवानी और बिनाई चश्म से खुदा ने इसे इनायत फरमाई है। जुलेखा ने जब सूरत अपनी आईने में देखी तो खुदा का शुक्र बजा लाई और फिर ईमान में तरक्की भी हो गई और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की तरफ ख्याल न किया और चली गई। इसके जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमाने लगे, जुलेखा तुम कहाँ जाती हो मुझे छोड़कर। वो बोली कि जिसने ये शक्लो सूरत और बिनाई मुझको बख्शी है इसके छोड़कर नाहक यूसुफ से क्यों अपने आप को बर्बाद करूं और मुझे चाहिए कि मैं इस पर ख्याल करूं। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जुलेखा को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की मगर वो चली गई। गैब से आवाज आई, ऐ यूसुफ सब्र करो, जल्दी मत करो। इसके बाद जुलेखा गम खाने में जा बैठी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ख्वाब गारी में लोगों को भी भेजा लेकिन वो कबूल ना करती। दोस्तों इसी तरह तकरीबन 40 रोज गुजर गए। इस 40 दिन के अंदर हजरत यूसुफ ने इतना दर्द जुलेखा के लिए खींचा कि जुलेखा 40 बरस में भी अपने ऐसा दर्द ना उठाया था। इधर मलक रियान ने जुलेखा के पास पैगाम भेजा था और बहुत से लोग इसको जाकर वाज़ो नसीहत करते थे। बाराइस ने चंद रोज के बाद निकाह कबूल कर लिया। दोस्तों रिवायात में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जुलेखा को बचा कर रखा था। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जुलेखा के साथ मिलकर एक घर बनाया और अपना रहन सहन शुरू कर दिया। कुछ अरसा के बाद इनसे दो लड़के पैदा हुए। मलक रियान जब बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो तमाम कारोबार भी बादशाही का यूसुफ को दे दिया और खुद गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को सल्तनत के सारे इख्तियारात मिल गए तो वो अल्लाह की मखलूक की परवरिश करने लगे। बकदर हाजत गल्ला राया के हाथ बेचते और सदका बकसरत फकीरों और मोहताजों को देते। कुछ मुद्दत के बाद कैद साली आई, यहाँ तक के एक मन गल्ला का नर्ख 2 दीनार हो गया और तमाम गिरदो नवा अतराफ से मिस्र की राया आकर जमा हुई। फिर तमाम अहले मिस्र जमा होकर कहने लगे कि गल्ला को गैरों के हाथ न बेचा जाए, अगर ऐसा किया जाता रहा तो वो वक्त करीब है कि हम लोग भूखे मर जाएंगे।
यहाँ तक के सारे मुल्क में किसी के हाथ में पैसा दिरहम दीनार न रहा, सबका सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खजाने में दाखिल हो गया। फिर जब दूसरा साल आया तो तमाम मवेशी लोगों के गले की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी गए, और तीसरे साल में तमाम कपड़े वगैरह जो कुछ था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बमा लोंडी गुलाम के बिक गए, और चौथे और पांचवें साल में भी जो कुछ जमीने थी सब लोगों ने बेच कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला ले लिया, और सातवें साल लोगों ने अपनी जात को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उजरत में दे दिया, और कोई आदमी भी सारे मुल्क में ऐसा ना रहा कि तमाम नौकर चाकर खिदमतगार लोंडी बांदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हो गए। ये हाल देखकर तमाम खलायक तजुब में थी और कहती थी, हमने कभी बादशाह से ऐसा नहीं देखा और ना सुना। हजरत यूसुफ ने जब खलकुल्ला को गरीबों नाचार देखा तो फिर बादशाह रियान बिन वलीद से कहा कि शुक्र इस खुदा का है कि इसने मुझको क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। अगर हर बाल के मुंह में 100-100 जुबानें भी हों तो मुझसे फिर भी इसका शुक्र अदा ना हो सकेगा। ये सुनकर रियान बिन वलीद ने कहा, हक है जो आप फरमाते हैं, और मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अख्तियार देता हूँ कि वो जो इनकी मर्जी में आए वही काम करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अहले मिस्र को खुदा की राह पर आजाद कर देता हूँ, और तमाम मालो सबाब जिस इसका था इसको वापस कर देता हूँ। दोस्तों रिवायात में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जमाने कहत में सीर होकर खाना न खाते और तमाम अल्लाह की मखलूक की मुआफ़कत करते थे। लोगों ने कहा, आप क्यों आसूदा होकर नहीं खाते और भूखे रहते हैं, और आपके मुल्क मिस्र में खजाना और अंबार इस कदर हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं डरता हूँ अगर मैं सीर होकर खाऊँ तो बाकी लोग भूखे प्यासे न रहें, और ये काम मुल्क के सरदारों का नहीं है, और मैं आइंदा खुदा को क्या जवाब दूंगा। जब सातों साल तमाम हुए और तकरीबन 40 दिन और बाकी थे तो गल्ला खत्म हो गया। शदीद भूख की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर राया इल्तजा करने लगी। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों के हाल देखकर बहुत मुतरद्दद हुए और आधी रात को उठकर खुदा की बारगाह में तजर्रा और जारी की, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे भूख की वजह से मर जाते हैं, अगर तू रहम न करेगा तो तमाम मखलूक हलाक हो जाएगी। तब खुदा का रहम हुआ, एक आवाज गैब से आई, ऐ यूसुफ तू मेरा प्यारा है, कुछ गम न कर, तेरी सूरत ही के लोग गजा हासिल करेंगे, यानी तेरी सूरत और जमाल को देखकर लोगों के पेट भर जाएंगे। बस इस हुक्म को पाते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मैदान में जा बैठे और तमाम लोगों को वहां बुलाया और अपना चेहरा मुबारक सबको दिखाते रहे। आपके चेहरे मुबारक को देखते ही अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों की भूख प्यास जाती रही और फिर इनको खाना खाने की हाजत न रही। दोस्तों रिवायात में है कि 40 दिन का कहत इसी तरह से गुजर गया और आठवें साल में अल्लाह ताला के फजल करम से खेती बहुत अच्छी हुई और अनाज बेशुमार हुआ और तमाम मखलूकात खुदा ने इस कहत से निजात पाई। और एक रिवायात में है कि एक लड़का अंधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके वास्ते अल्लाह से दुआ की कि इसकी आँखें अच्छी हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक इस लड़के की तरफ किया और अपने रोशन चेहरे की निगाह इस पर डाली तो खुदा के फजल करम से इस लड़के की आंखें ठीक हो गईं। दोस्तों रिवायात में है कि जब कहत साली फैली हुई थी तो मिस्र के अतराफ के लोग मिस्र आते और यहाँ से गल्ला ले जाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो इन्होंने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम भी मिस्र जाओ और गल्ला लेकर आओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म को सुनकर इनके 10 बेटों ने मिस्र जाने का कसर किया और एक छोटा भाई जिसका नाम बिन्यामीन था इसको वालिद के पास छोड़ दिया और जो कुछ मालो मता वगैरह था वो ऊँटों पर लाद कर मिस्र को चल दिए। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और आए भाई हजरत यूसुफ के फिर दाखिल हुए इसके पास तो यूसुफ ने इनको पहचान लिया मगर इनके भाइयों ने इनको ना पहचाना। दोस्तों हजरत यूसुफ जब मुल्क मिस्र के मुख्तार हुए मुआफिक 7 बरस तक खुद आबादी की और तमाम मुल्कों का अनाज बरते और जमा करने लगे, और फिर जब कहत साली हुई तो मुल्क मिस्र और आसपास के इलाकों के लोगों को एक ही भाव में गल्ला फरोख्त किया, मगर ये था कि परदेशियों को एक ऊंट के बोझ से ज्यादा ना देते थे। इस असूल से तमाम खलाइक को सहूलत रही और कहत की मुसीबत से बचती रही और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा खजाना मालो दौलत से भर गया।
गया और हर मुल्क में ये खबर फैल गई कि मिस्र का अनाजो गल्ला सस्ता है। ये खबर सुनकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई भी गल्ला खरीदने के वास्ते मिस्र में आए। हजरत यूसुफ ने जब अपने भाइयों को दूर से पहचान लिया तो फरमाया, इन सबको मेरे पास लाओ। चुनाचा सब भाई हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास आए तो आपने अच्छी तरह यकीनो इत्मीनान से इन्हें पहचान लिया, उन्होंने आपको ना पहचाना। और बाज रिवायतों में यूं आया है कि हजरत यूसुफ इस वक्त बादशाह की टोपी अपने सर पर रख कर लिबास शहाना पहनकर तख्त शाही पर विराजमान थे, इसलिए इनको भाइयों ने ना पहचाना। और बाज मुहक्किकों ने कहा है कि उन्होंने हजरत यूसुफ पर जुल्म किया था और जालिमों के दिल स्याह होते हैं, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को ना पहचान सके। फिर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने इनसे इब्रानी जबान में बातचीत की। इसी गुफ्तगु में हजरत यूसुफ ने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो और क्या काम करते हो, मुझे तो तुम्हारी शक्लो सूरत से प्यार मालूम होता है। वो बोले कि हम लोग किनान से आए हैं, पेशा हमारा शब्बानी है, चूँकि हमारी विलायत में कहत हुआ है इसलिए अनाजो गल्ला खरीदने को आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि हमको मालूम होता है कि तुम लोग जासूस हो और यहाँ जासूसी को आए हो, यहाँ का हाल मालूम करके दुश्मनों को खबर दोगे। और ये सुनकर बोले कि हम 10 भाई हैं, एक ही बाप से हैं, हमारे ये काम नहीं, और हमारे बाप भी पैगंबर हैं जिनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत यूसुफ ने पूछा कि तुम सब कितने भाई हो, वो फौरन बोले कि हजरत जी हम अपने बाप के कुल 12 बेटे थे और हम में सबसे छोटा भाई जो था वो एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने गया, हम सब इससे गाफिल हो गए और इसे भेड़िया खा गया, इसकी माँ के बदन से एक भाई और है, इसको बाप ने अपने पास रखा है ताकि वो अपने इस बेटे को ना खो दे, क्योंकि वो अपने इस बेटे से बहुत प्यार करते हैं और इसकी वजह ये भी है ताकि वो अकेले न रह जाए। हजरत यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी इस बात की क्या सनद है जो तुम कहते हो, इस पर कौन गवाह है। वो बोले, ए अजीज, इस शहर में हम लोग बैदुल वतन मुसाफिर हैं और कोई हमको नहीं पहचानता, इसका सबूत हम क्यों कर दे सकते हैं। हजरत यूसुफ ने कहा कि अगर तुम्हारे गवाह नहीं है तो जो भाई तुम्हारे बाप के पास है इसे लेकर आओ तो हम जानेंगे कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सच है। तब उन सब ने कहा कि बहुत अच्छा, हम लोग अपने बाप से कहेंगे और आइंदा से इस भाई को भी साथ लाने की कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जरूर आपके पास लाएं। हजरत यूसुफ ने इनसे कहा कि इस वक्त तुम सब जाओ, सिर्फ एक भाई तुम्हारा यहाँ कैद रहेगा क्योंकि तुम अपने 11वें भाई को भी लाओगे। तब सब ने मिलकर आपस में तबादला ख्याल किया कि यहाँ कौन रुकेगा। फिर सबके नाम से कुरानदाजी की गई और वो कुर्रा शमून के नाम पर निकला, वही हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास बतौर कैद के रहा। फिर हजरत यूसुफ ने फरमाया कि अनाज एक एक शतर का इनको दे दिया जाए और इन्हें रुखसत कर दिया जाए। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई अनाज लेकर रवाना हो गए, मगर इसके बाद क्या हुआ? हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाकी के भाइयों, अपने बाप और अपनी वालदा से कैसे मिले? और आपकी वो ख्वाब के 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद आपको सजदा करते हैं, उस ख्वाब की ताबीर कैसे पूरी हुई, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।